नमस्कार प्रणाम, हम हैं आपकी प्यारी भाभी कोमल झा। हम आ रहे हैं आपके गांव ये जाने खातिर कि आप सभी के मुखिया कितने किए हैं काम और कितने किए हैं आराम। बोलेंगे आप, खोलेंगे हम काजी, नहीं जी पोल। इस सब जानने के खातिर जुड़े रहिए नेशन भारत से, जो है भारत की आवाज। मैंने कुमार कुमार के मैंने मिल रहा है, हमने के चार गो पांच गो लाइक जो मिलवे ना कल कॉल नहीं है ना, अभी मिल रहा है। पानी तो फुटल के उसने बनेबे के लेना चाहे, हम लोग अपने से बनैया है। तो पानिया ना के एकदम देबे नहीं करता है, थोड़ा थोड़ा देता है, वो कभी कहीं कभी तो पहुँचबो नहीं करता है। बना है नाला जिसमें अधिकांशतः घर में मतलब टोटी नहीं लगा है, अब पानी भी दूर दराज मतलब जितना दूरी जाता है वो नहीं मिल पा रहा है। भैया कैसे हैं आप सब? नमस्कार प्रणाम, हम हैं आपकी प्यारी भाभी कोमल झा नेशन भारत से। तो और आज हम लोग आए हैं धनरुआ पंचायत के मंझेली गांव में। संगीता देवी मुखिया जी हैं, उनसे बात करने के लिए कि उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के योजनाओं को जनता के पीछे जनता के लिए कितना लाभ दिया है या नहीं दिया है। दिया है या नहीं दिया है तो दिख ही जाएगा, काम किए हैं या नाम किए हैं। आइए देखते हैं, चलिए जनता से पूछते हैं। क्या नाम बा? अच्छा सोनी देवी जी, कि जैसे कि केंद्र सरकार राज्य सरकार का योजना चल रहा है, घर घर में पानी हो, PPL कार्ड हो, राशन हो, ये सब मिल रहा है। बेटी है तो बेटी है तो रहती है यही ना? नहीं है, छह महीना चाहे चार महीना। छह महीना रहती है ना, उसमें पानी वानी आता है घर में? पानी तो रहती है। पानी आता है, घर उड़ मिला है बाबूजी के? मिला है। कहाँ पे मिला? ये घर आवास योजना से मिला है? ये घर मिला है। अच्छा आपके हिसाब से मुखिया जी पास है या फेल है? मतलब काम अच्छा लगा है, बुरा लगा है, कैसा लगा है? ठीक है, पास है। आइए इधर देखिए, एक लेडीज खड़ी है, किसी घर की है? क्या नाम? अच्छा सरिता देवी जी, केंद्र सरकार राज्य सरकार का योजना चल रहा है, घर घर में जल हो, जो निम्न वर्ग के लोग हैं उसको आवास मिल रहा है, तो ये सब आपको लाभ मिला है? कुछ नहीं मिला। क्या नहीं मिला है? घर में पानी नहीं आ रहा है? नहीं है। अच्छा और क्या दिक्कत है? कोली नहीं मिला है। कोली नहीं मिला है? फॉर्म भरी है? फॉर्म भरे तो नहीं है। क्या बोल रहे मुखिया जी, पूछी है क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा तो हम कहाँ पता है? देखो पूछे नहीं है मुखिया जी से? मुखिया जी से हम कहाँ जाए पूछे? अच्छा आपके नज़र में मुखिया जी पास है या फेल है? पास है। अरे बाप पास है। आइए बाबा दिख रहे हैं, बाबू से जरा बात कर ले। क्या नाम है बाबा? संतलाल हमारा नाम है। यही गांव के हैं? तो ये सब केंद्र सरकार राज्य सरकार का योजना चल रहा है, जैसे पानी उनी दिया जाए, राशन उशन दिया। अच्छा हाँ ये तो पानी है जी, टंकी है जरा देखिए तो, यही ना नल जल का टंकी है। तो एक बात बताइए कि घर में पानी वानी आ रहा है ना? कहाँ से आ रहा? नहीं आ रहा है। टंकी खाली देखने के लिए है? नहीं है, तो आप टंकी खाली देखे ना है? आओ कुछ है, पानी कहाँ नहीं आ रहा था? पानी तो आप वही ना समझते सर, हम नहीं समझ भाई, पानी चुभी था। पूछो ना जनता से, पूछिए ना, ये वो हमरा से पूछिए। अच्छा सुनिए बाबा, ये पानी काला चू रहा था? पानी तो फुटल के उसने बनेबे के लेना चाहे, हम लोग अपने से बनैया है। अच्छा राशन उशन मिलता है? राशन तो जी मिला है। घर और घर तो मिलो रहे है, कोनियो तो आपको मिला है? हमरा तो जी ना मिले। काय फॉर्म उन्हें भरे थे, काहे नहीं मिला है? फॉर्म तो जी हमारे बात से ही अब तो 70 बरस 80 बरस नहीं पास हुआ है। आपके नजर में मुखिया जी पास है कि फेल है? अब उकरा तो जनता पास है ना कह ले ही, फेल कैसे जी पास है? पास है, आइए और लोग से बात करते हैं। आइए क्या नाम है? हमारा नाम है फेकनी। हाय दैया फेकनी नाम है। अच्छा एक बात बताइए, पानी वाली घर में आ रहा है? जरी जरी गिरा है ना? खाली जड़िए जड़िए कहाँ नहीं गिरा है? गिरा है ना ढलैया खूब ना गिरा है पानी। कैसा है? हम भी जान गए हैं, मोटर की कमी है ना, सब बोलते हैं कि मोटर की कमी है। घर उड़ा है, घर कोई नहीं मिला है ना? का है होने का न मिलल है? फॉर्म उड़म भरी थी? मैंने भर दिया फॉर्म। मुखिया जी नहीं बताए कि फॉर्म भरी है? कहले नहीं मुखिया जी के, पूछू ना उनखानी के हमारे घर भाई जी। अच्छा अच्छा एक बात बताइए कि पानी उनी का दिक्कत है, रुक रुक के आता है, और राशन उशन मिलता है? हाँ। अब आपके नजर में मुखिया जी पास है कि फेल है?
ना पास हथिन की अरे बाप रे बाप पास हथिन आई आई आ गया बात करते आइए पास में आई आई सर जी बना दिए तो पास में हो गया आई आई तू यांडवा पीछे वाला कहां चल गया थोड़ा बतिया लेते खाओ लेते दिख ही नहीं रहे भैया आई आई का नाम एक बात बताइए सांसद का केंद्र सरकार का राज्य सरकार का योजना चल रहा है जो पानी है व्यवस्था दिया जाए जिसके पास घर नहीं है घर की व्यवस्था दिया जाए ये सब लाभ मिल रहा है क्या क्या नहीं मिल रहा है मतलब पानी नहीं आ रहा है घर में पानी आ रहा है पानी हल्का हल्का आता है और जो कोंडली का फॉर्म भरी है नहीं नहीं भरे हैं अच्छा ये सरकारी मास्टर नहीं है आप अच्छा तो चलिए कोई भी सरकारी है सबको अपनी व्यवस्था मिलनी चाहिए तो मतलब कॉलोनी का फॉर्म कब भरी क्यों नहीं भरी नहीं भरे हैं नहीं कोई देते हैं तो नहीं भरते हैं कभी आप लोग के पास सूचना आया है का मिलेगा आपको अच्छा नौकरी ये बोलते हैं राशन उशन कर गए हैं अच्छा रिटायर राशन उशन राशन मिलता है ना आपके नजर में मुखिया जी पास है कि फेल है पास तो है ही है मुखिया जी अच्छा मुखिया जी तो पास है चलिए आओ आगे बात करते हैं भाई घर में केंद्र सरकार राज्य सरकार का योजना चल रहा है आपको पता है क्या क्या है हमको नहीं पता आ सुनिए थोड़ा बतिया लीजिए बाप रे बाप बतियाई भी नहीं करती हैं आप लोग बताइए बुरा लग रहे हैं का हम नहीं नहीं ना तो बतियाइए पानी उनी आता है घर में हाँ आता है और क्वार्टर उटर मिला है घर उर रहने के लिए नहीं नहीं मिला है पानी आता है 24 घंटा हाँ इंदिरा आवास मिलता है मिला है इंदिरा आवास मिला है घर किसका बनाया हुआ है पापा जी का हाँ पापा जी का बनाया हुआ राशन उशन मिलता है राशन कार्ड है राशन उशन मिलता है हाँ मिलता है अच्छा ये बताइए मुखिया जी से पास करती है या फेल करती है मुखिया जी को मुखिया पास है अरे खाली हंसते हंसते पास बोल रही है जी आई आइए बड़ा लोग हंसते हैं हाँ जी यहाँ पे कुछ लोग धान पीट रहे हैं जरा देखते हैं और बात करते हैं मुखिया जी काम किए हैं आराम किए हैं आइए लेकिन जाएंगे कैसे भाई आइए आइए आप लोग को बात करवाते हैं और धान की पिटाई दिखवाते हैं आइए मजा आएगा बहुत आइए 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 यही गांव है आपका यही गांव है अच्छा क्या नाम है जीतू पासवान धान का पिटाई चल रहा है हाँ अच्छा एक बात बताइए केंद्र सरकार राज्य सरकार का योजना चल रहा है जिसको पानी की व्यवस्था नहीं है उसको पानी की व्यवस्था दिलवाए जिसको रहने का नहीं है रहने का मिले तो सब लाभ मिल रहा है कौन दे है पानी नहीं चल रहा है और क्वार्टर उटर मिला है घरूर है नहीं फॉर्म भरे हैं फॉर्म हमने तो लालू यादव के राज मिलल है लालू प्रसाद के मिला हुआ है जमीन रहने का व्यवस्था नहीं कहाँ रहते हैं खाए खाए में रहते हैं फार्म भरे थे नहीं फार्म नहीं भरा फार्म नहीं भरे हैं बीपीएल कार्ड का ये सब आता है बीपीएल कार्ड है राशन मिलता है आपको भी मिलता है आप लोग के नज़र में मुखिया जी पास है या फेल है अब हमनी के नज़र से तो पास है हथन पास फेल है मुखिया जी हमको पास मतलब काम अच्छा लगा या बुरा लगा पास है या फेल है काम कुछ किया नहीं पास है या फेल है बताइए फेल धनारुआ के मुखिया पास है या फेल है पास है चलिए धान का पिटाई भी देख लिए आप क्या खूबसूरती से पिटाई हो रहा है बहुत मेहनत करते हैं ये लोग भाई बताइए तब ना हम लोग खाते हैं मकान चल के देखिए कि कौन रूप में है हाँ हाँ भाई देख लिए हैं बाप चलिए 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 आइए आओ हम लोग बात करते हैं उन लोगों से तो हाँ जी यहाँ पे एक बाबा दिख रहे हैं चलिए उनसे बात करते क्या नाम है जमींदर दास अच्छा बाबा इसी गांव के हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार का योजना जा रहा है आपको पता ही है जारी है तो ये सब लाभ आप लोग को मिला है हाँ मिल ही रहा सब कुछ मिल रहा है पानी उनी पानी भी मिला लेकिन पीएचईडी से मतलब बना है नाला जिसमें अधिकांशतः घर में मतलब टोटी नहीं लगा है अब पानी भी दूर दराज मतलब जितना दूरी जाता है वो नहीं मिल पा रहा है पानी दूर नहीं मिल पा रहा है नज़दीक नज़दीक में मिल रहा है टोटी भी नहीं लगा है टोटी नहीं लगा और ये आवास उवास के योजना के आप लोग अंतर्गत आते हैं ना हम तो नहीं आते हैं लेकिन और लोगों को मिला है राशन कार्ड हाँ हाँ मिला है हाँ हाँ मुखिया जी से खुश है यहाँ ना ना खुश है अच्छा पास है या फेल है मुखिया जी कौन मतलब पास मतलब मैट्रिक पास है मैट्रिक पास है पास है या फेल है मुखिया जी के काम से खुश है या
ना खुश है, खुश है, यानी कि पास है ना। हाँ, हाँ। चलिए मुखिया जी पास है, योजना मतलब काम। हाँ, 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 ये सब तो है। हाँ, तो दिख रहा है रोड उड भी बड़ा चकाचक दिख रहा है। तो हम लोग चलते हैं मुखिया जी से सीधे बात करते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, तो आपने देखा कि जनता क्या बोली और क्या नहीं बोली भाभी जी के साथ। अब हम आ गए हैं संगीता देवी मुखिया जी के पास। सुनने में आया है संगीता जी का अभी तबीयत नासाज है, तो आते हैं उनकी प्रतिनिधि से बात करते हैं। आइए आइए। हाँ प्रणाम सर, प्रणाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार है। दिलीप कुमार जी हैं संगीता देवी जी का प्रतिनिधि हैं और भैंसुर भी बोल सकते हैं। तो मतलब आप ये बताइए कि कितना यहाँ पे केंद्र है? केंद्र जी यहाँ तो वार्ड ऐसे 14। हाँ वार्ड 14, 14 वार्ड है। एक बात बताइए कि जो योजना चल रहा है केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, मालूम तो है ही, इसमें सारे लोगों को लाभ मिल गया है, सारे जनता को? सारे लोगों तो लाभ अभी तक मिला है, कुछ लोगों को बाकी है। जैसे नल जल का है तो हम लोग के यहाँ हमारे पंचायत में नल जल है पीएचडी से। अच्छा। तो पीएचडी वाले लोग हैं। अब यहाँ कुछ शिकायत मिलने को आ रही है कि हमारे यहाँ दूर दराज में पानी नहीं पहुँच पा रहा है। हाँ, बहुत लोग बोला। लेकिन यहाँ अब तो मेरा अब शिकायत आज हमको मालूम है तो उसको हम अथी करवाते हैं, लेकिन कुछ कुछ घर में नहीं पहुँचा जो दूर दराज में पहुँच रहे हैं। देखिए कि टंकिया में पानी चू रहा है, एकदम साइड से लगा दूगो अथी है, पानी चू रहा है, भर के नहीं छेदवा हलई ओकरे में से पानी चूते हलई। हाँ चूड़ा था। अब कुछ लोग बोल रहे थे कि बड़ा दूर दूर तक खाली सटले सटले में घर में पानी आता है। बचवा बोल रहा था, एगो उसकी मैया भी थी, वो भी बोल रही थी कि सटले सटले पानी आ रहा था और दूर दूर तक पानी नहीं आता। हाँ दूर दूर तक नहीं जा रहा है, अभी हमको भी मिला शिकायत और इसका शिकायत मिला है तो इसको हम तुरंत शीघ्र ही इसका निष्पादन कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए मुखिया जी जो है आपको जो दलित परिवार में भी घूम घूम के देखती हैं कि व्यवस्था दिया गया है कि नहीं? देखते हैं, देखती हैं, देखती हैं सारा व्यवस्था दिया गया नहीं, सबसे बात उत करती हैं। जी जी। चलिए एक बात बताइए कि मुखिया जी पिछले 5 वर्षों में ऐसा क्या काम की है कि आगे भी जनता उनको उसी पद पे देखती है? आज तक तो कोई ऐसा काम जो इतना मैंने जिस जब से पंचायती राज जो शुरू हुआ है जी उसमें अब तक जितना काम 5 वर्षों हुआ है आज तक हुआ नहीं है। अच्छा। तो जनता लोग से पूछने की बात है और देखने की चीज है जी जी। जो यहाँ धरातल पर उतरी है काम अभी जो देखिए अभी जल अथी से संसाधन विभाग से अभी जो पैनुराही अथी उथी बहुत देखने लायक है, नली गली फेवर ब्लॉक और नल जल हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ पीएचडी विभाग से है। अच्छा, तो थोड़ा सा अगर हम लोग के यहाँ हम लोग मुखिया की तरफ से रहता तो इस तरह की शिकायत नहीं आती। तो ये सर तो कितना दिन में ठीक हो जाएगा? ये तो ठीक हो जाएगा, बहुत जाए तो 15 दिन में इसका उपाय। बहुत लोग बोल रहे हैं कि आवासों इंदिरा आवासों वाला नहीं मिला है? नहीं मिला। अभी हमारे हमारे पंचायत में 650 इंदिरा आवास पास हो चुका है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट से अभी इसका अथी पैसा और अथी नहीं हुआ, इसी चलते थोड़ा सा अथी है। सभी लोग का कागज पत्र जमा है, 650 गरीब का मैंने पास हो गया है इंदिरा आवास। अब सिर्फ वहाँ से पैसा आने की देर है, जनता लोग के पैसा आ जाएगा बस। सभी को कितना लेडीज तो बोल रही है कि हमको तो बोलबे नहीं करते फॉर्म कब भराता है, पोतो नहीं चलता है। ये नहीं फार्म इंदिरा आवास का कभी फार्म नहीं भराता है, अब वो सब नहीं, अब नेट से यहाँ काम होता है। जब यहाँ नेट खुलती है या सरकार से आती है कि जिनका जिनका इंदिरा आवास नहीं मिला है उनको जाकर घींचिए, उसी सिलसिले में अगले साल जो हम लोग सरकार के आदेश हुआ था हम लोग यहाँ घींचे थे, खुद आकर सबको घींचे थे। इसमें मेरे पंचायत में सबसे ज्यादा पास हुआ 650 इंदिरा आवास, 650 इंदिरा आवास पास हुआ हमारे पंचायत में सबसे ज्यादा। तो इसमें अब सिर्फ आशा आती है पैसा सेंट्रल से आ जाए बस, हो गया। अच्छा एक बात बताइए कि आगे भी मुखिया जी का उम्मीदवारी रहेगा कि नहीं? हाँ ये तो है, दम रहेगा। तो जरा क्या क्या काम किए जरा दिखाइए ना हम लोग को, चलिए ना जरा देखते हैं। हाँ बोलिए, क्या बोल रही? मैंने कुमार कुमार के मैंने मिल रहा है, हमने के 4 गो 5 गो लेकर जो मिलवे ना कल कॉल नहीं है ना, अभी मिल के नहीं मिला है ना। अच्छा तो भरी थी फार्म इंटरनेट से, अब भरा रहा है? हाँ भर लाती ना, का तो फार्म कब भरे है? भर लाती ना, आज भर लाती, बहुत दिन भर लाती ना, कहाँ अभी तक लाई लेवे? फिर पूछिए मुखिया जी से कहे नहीं आया, आप पूछ लग थी ना कि ना कहा नहीं कहा अभी ना आए कि कहा आए ले, जो सबके तो आले राशन उसन कार्ड मिल रहा है? हाँ राशन नहीं आता है। हाँ आता है। आपके नजर में मुखिया जी पास है या फेल है? फेल ये मुखिया जी फेल हथिन, फेल हथिन। आप लोग के नजर में मुखिया जी पास है या फेल है? पास है या फेल है मुखिया जी? बताइए, इसी गांव में है ना, सुख सुविधा मिल रहा है, पानी उनी आ रहा है घर में, जा रहा है, पास है या फेल है? हम फेल है। आप
फेल है? मुखिया जी पास है कि फेल है? जानकारी ना है हमको, इनको जानकारी नहीं है भाई। चलिए मुखिया जी से चल के देखते हैं कि उन्होंने क्या काम किया है। चलिए आइए यहीं पे है मुखिया जी, बताइए कहाँ पे काम हुआ है। ये वाला आइए। चलिए तो रोड तो बड़ा चकाचक दिख रहा है भाई, आइए देखिए यही सब काम हुआ है। वाह 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 यार, देखिए बहुत अच्छा लग रहा है भाई, देख के लग रहा है कि गांव नहीं है। तो हाँ जी, मुखिया जी पास है या फेल है, तो भाभी जी के साथ और जनता की बात आप लोग सुने। और हम थे धनरुआ गांव के मझोली गांव में, जबकि और आगे ये सब देखने के लिए कि मुखिया जी पास है या फेल है, बने रहिए अपनी भाभी के साथ, नेशन भारत के साथ। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप लोग, देखिए हम गुस्सा हो जाएंगे तो फिर वो नहीं करेंगे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, बाय। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।